ये जंगल सफारी जो कि हमने यूनिटी अभी हम कर रहे हैं इसको बाड़ा है। अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा सेटअप नहीं है, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। ये थर्ड ब्लॉग है जो कंटिन्यू में बन रहा है। तो यार बाइक हमने यहाँ पे कर दी थी पार्क, अभी वो थोड़ा सा निकलने का। तो आज की जर्नी हमारी होने वाली है 160 किलोमीटर, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सूरत गुजरात। तो वक्त हो चुका है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बाय बाय कहने का। ओ भाई ऑफ रोड आराम से, वो सामने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सर गाइस हम थोड़ा देखते हैं कि हम बाइक कहाँ तक लेके जा सकते हैं आगे, और कुछ देखने लायक अगर होगा तो वो आपको मैं थोड़ा इन्फॉर्म कर दूंगा। सर गाइस ये जंगल सफारी जो कि हमने पिछले ब्लॉग में कंप्लीट कर ली है, तो शायद यही तक ही कार या बाइक जा सकती है। ये मेन पार्किंग है, इससे आगे कुछ नहीं जा सकता है। वैली ऑफ फ्लावर यहाँ पे रखा है, दिख रखा है। आगे बाइक नहीं जाती सर? बाइक नहीं, बाइक नहीं जाती आगे। ओके और दूसरा जो है यहाँ की एक सबसे बढ़िया चीज ये शटल है, एसी बसेस है यार यहाँ पे, ये पूरे एसी बसेस है। तो पूरा जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ये निकलती है फ्लावर वैली, फिर ये जंगल सफारी, पीछे डैम है, तो ऐसा करते हुए सारे ये आपको स्टॉप पे छोड़ के जाती है और लेने के लिए भी आती है, और पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया गया है। तो यह था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अभी हम कर रहे हैं इसको बाय बाय, और हमारी जर्नी शुरू हो रही है 160 किलोमीटर। मैप हो गया हमारा चालू 160 किलोमीटर सूरत के लिए। तो ये कुछ लास्ट झलकिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। चलिए वक्त हो चुका है निकलने का यहाँ से। Look at the view guys, क्या पानी है यार, और देखो दोपहर के 2 बज रहे हैं फिर भी धुंध अभी तक है। सुबह से मैं आया हूँ, दोपहर के 2-3 बज रहे हैं लेकिन धुंध अभी भी है। क्लैरिटी इतनी नहीं बढ़ी है लेकिन थोड़ा सा सुधार हुआ है भाई। यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट सूरत के लिए, और यार भाई ये ब्रिज पहले नहीं था, कुछ साल पहले हम यहाँ पे आए थे, ये ब्रिज अभी नया बना हुआ है। अगर कुछ सालों पहले की मेरे पास तस्वीरें होंगी तो मैं साइड में डाल दूंगा।
इधर गाइस अभी आ गए ये मेन हाईवे, बहुत देर लगा दी यार क्योंकि ये जो रास्ता था ना बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा था इसके ऊपर। अभी थोड़ी सांस ले सकता हूँ, कहीं पे रुक सकता हूँ थोड़ा, क्योंकि ये रास्ते पे ज्यादा कुछ था भी नहीं होटल जैसा कि वहाँ पे रुके। लेकिन अभी ये जो मेन हाईवे है यहाँ पे हमें बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता, और माता आशीर्वाद पिपली खेड़ा रंगीला राजस्थान ये सब लिखा है ये सामने वाले ट्रक के ऊपर, जो कि बड़ा रंगीला लग रहा है। तो भाई ये था फूड प्लाजा सूरत के पास, यहाँ पे थोड़ी कॉफी पी, थोड़ा फ्रेश हो गए, अभी फिर जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। और भी अभी हमें 40 किलोमीटर जाना है, 40 किलोमीटर बच गए रह गए है। यार गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सूरत, सूरत गुजरात, और यहाँ पे हमें लगेगी मतलब वर्स्ट से वर्स्ट ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ पे ना कार चलाने का सेंस है ना बाइक चलाने का, और कोई भी कैसे भी बीच में आ जाता है। सिग्नल नाम के लिए आपको आगे दिखेगा, सिग्नल का कोई मतलब है ही नहीं है। तो अभी हम इंटर हो चुके हैं सूरत गुजरात, तो वेलकम टू सूरत। भाई यहाँ के रास्ते वर्ल्ड क्लास, यहाँ की ट्रैफिक थर्ड क्लास, इतने अच्छे रास्ते बनाए हैं। ये देखिए बस के लिए पूरी अलग सी लेन है, वो लेन में सिर्फ बस ही चलती है, बाकी कुछ नहीं चलता है। सर गाइस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तभी मेरी थोड़ी ग्रोथ हो पाएगी। लेकिन इमोशनली नहीं, मेरे ब्लॉग आप देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और कमेंट भी करना है कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे अच्छे लग रहे हैं और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। देखो इन फ्यूचर इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा सेटअप नहीं है, तो वो चीज़ थोड़ी हमारे पास कम है, लेकिन इन फ्यूचर वो जरूर जरूर हम इम्प्रूव करेंगे। लेकिन आप सपोर्ट करोगे तो ही वो ये चीज़ हो पाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी सब्सक्राइब करें, अपने चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जितना हो सके उतना। सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हम यहीं पे एंड, और हमें सूरत के रस्तों पे कल हम निकल जाएंगे नासिक के लिए। लेको सब्सक्राइब करना है, और बाजू में बेल आइकॉन का बटन होगा उसको ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि मैं नेक्स्ट ब्लॉग जब अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आज का ब्लॉग हम करते यहीं पे एंड, मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय, सी यू, गुड डे, और शबा खैर।